तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बहुत सारे इसी क्राइम तक की कहानियों में आप लोगों की फरमाइश पर बहुत सारे जासूसों की कहानी सुनाई, रॉ की सुनाई, ISI की सुनाई, मोसाद के, CIA के, KGB के, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल में लिखा भी था कई ऐसे सवाल जिनके जवाब मुझे समझ में नहीं आया कैसे दूँ। हम सब के जहन में एक तस्वीर होती है, ये जासूस क्या होते हैं, इनकी दुनिया क्या होती है, और अगर खुद जासूस के ज़ुबानी अगर हम लोग कहानी सुनें, और ख़ास तौर पर एक ऐसा जासूस जो अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के साथ जुड़ा हो, जिसने पाकिस्तान में करीब 24-25 साल बिताए हों और इनमें से 20 साल जेल के अंदर, तमाम पीड़ाएं, तमाम टॉर्चर सही, और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आई कि अब कई सारी बीमारियों ने घर कर रखा है, और करीब 70-75 साल की अब उम्र हो गई है, और मुझे याद है मेरी जान पहचान करीब 20 साल पुरानी है, 25 साल। तो प्रिंस कीपर, एक तो नाम ये है और एक नाम पाकिस्तान का रखा हुआ फिरोज, रॉ के एक जासूस, और कैसे वो गिरफ्तार होते हैं, फिर क्या काम वहाँ करते हैं, वापस इंडिया आते हैं, और अफसोस की बात ये कि आने के बाद सब कुछ यहाँ बदल चुका था। 20 साल जेल में रहना एक लंबा अरसा होता है, और अफसोस तब होता है जब आप इतना सब कुछ देश के लिए करें और वापस आए और आपकी अपनी एजेंसी, अपने लोग आपको अपनाने से इनकार कर दें, और फिर आपको कोर्ट जाना पड़े, फिर कोर्ट में आप लड़ाई जीते। तो एक लंबी कहानी, और आज आप तमाम लोगों के लिए ख़ासतौर पर प्रिंस कीपर एलियस फिरोज रॉ के हमारे पुराने जासूस जो पाकिस्तान में रहे, बहुत बहुत स्वागत है प्रिंस साहब। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपके साथ एक बार फिर मुलाकात और बातचीत हो रही है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, पुरानी यादें हैं आपके साथ जुड़ी हुई। एक तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो जासूस होते हैं ये दिखते कैसे हैं, तो आज आपके सामने हैं, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। प्रिंस भाई, आपकी शुरुआत हुई कैसे, और शुरू में आप कैसे एजेंसी के साथ या रॉ के साथ जुड़े, ये कहानी क्या, मतलब अचानक आपने बचपन से सोचा था या फिर हालात ऐसे हुए, या फिर मैं छोटा जब था, मैं सेंट मैरी मेरिट में पढ़ता था, तो मेरे को वहाँ पर ये बड़ा अच्छा लगता था खेलना, कि भी CID खेले या फौज में होके मुल्क की खिदमत की जाए। मेरठ से मैं ट्रांसफर हो गया इधर, और दिल्ली में रहते, दिल्ली में मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। तो 1969 में मैंने दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन करने के बाद अभी रिजल्ट ही निकला था, तो मेरी सिस्टर थी वो एम्स के अंदर नौकरी करती थी, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो भी एम्स में थे। तो वहाँ पर एक मिस्टर MK चौधरी से मेरी जान पहचान हो गई उनके सिस्टर, कहने लगी उस वक्त हमें उनको पता नाम तो पता नहीं था, तो मेरे भाई के लिए भी नौकरी दिला दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नौकरी देखना, तो उन्होंने मेरी को नौकरी दिला दिया, और सारे इंटरव्यूज वगैरह हुए डिफेंस कॉलोनी में, कोचिंग के सेफ सेंटर थे उसमें, इन्होंने सेफ हाउस में कराई, बाद में इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराई, और यहाँ पर सारा जो माहौल था पाक में, जो माहौल है जो मुस्लिम। आपने जब वो मिस्टर NK चौधरी से मुलाकात कराई तो आपको पता था ये कौन है, आपको क्या नौकरी दे रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने बताया जब उन्होंने ये अपना वहाँ पर सीनियर ऑफिसर से बात कराई, तो उस वक्त रॉ के नाम को कोई जानता तक नहीं था। उन्होंने रॉ का नाम ना लेके उन्होंने CBI का नाम लिया। अच्छा, मैंने कहा आपको CBI में एज ए सब इंस्पेक्टर वो करेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए मुल्क के लिए कुछ काम करना, ठीक है भाई, मुल्क के लिए तो हर एक इंसान करने को चाहता है। तो उन्होंने फिर मेरे को ट्रेनिंग उर्दू वगैरह लिखना, ये मैं जहाँ मुझे चितली कबर से वो सीखता था इस्लामियात का सारा वो ट्रेनिंग कराई, 3-4 अफसर थे उस वक्त जो मेरे को ट्रेन किया करते थे, ये सारी ट्रेनिंग कराई। और ट्रेनिंग कराने के बाद फिर 1971 1969 से हमारा शुरू हो गया था जुलाई से, तो 71 के मार्च में उन्होंने मेरे को एक बार
नहीं, पहले तो 70 में 3-4 दिन के लिए पाकिस्तान भेजा था कि भाई वहाँ से देख के आ जाओ, जो करेज टेस्ट कहते हैं उसको, तो करेज टेस्ट हुए, तो मैं करेज टेस्ट गया, आया, जो कुछ इन्होंने कहा कि भाई मैंने इनको सारा कुछ दिखा दिया। तो दिखाने के बाद जो उठाया प्रूफ के तौर पे टिकट्स की कराची तक जाना है, लौट के आना, वो मैं सारा कुछ ला के उनको। और ये देखिए कि जो इन्होंने मेरे को खाता ना, कि उस वक्त 1000 रुपये एक ह्यूज अमाउंट होता था जी, मैंने इनको 400 रुपये में सारा करके 600 रुपये इनको वापस भी कर जी। मैंने कहा मेरा 400 रुपये में सारा कुछ हो गया, क्योंकि उस वक्त तो पैसे की कतर ही कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वो सब जाता था। फिर इन्होंने क्या करा कि फिर मेरे को इन्होंने कहा कि भाई देखो मुल्क की खिदमत करनी है तो आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, रह लेंगे ये, तो मैं चला गया। तो आप क्या बन के गए, प्रिंस कीपर या फिर कितो? वहाँ तक तब मैं प्रिंस था, लेकिन जब मैं पोर्टो के पार चला गया, वहाँ पर जिसने भी पूछा, मैंने क्या किया, फिर उस नाम क्या फिर हो, क्योंकि कोई ना कोई तो नाम हमने करना था, तो एज ए अंडर कवर एजेंट मैंने अपना नाम प्रिंस फिरोज खान नाम से। तो फिरोज खान क्यों रखा उस वक्त, एक्टर की वजह से? वो दरअसल मेरे को फिरोज खान जो उस वक्त थे ना, हाँ, वो थोड़ा सा अच्छे लगते थे। अच्छा, तो उनके वजह से फिरोज खान। फिर आप 71 में पाकिस्तान पहुंचे, तब इंडिया और पाकिस्तान में शायद जंग शुरू हो गई थी। जंग नहीं हुई थी। अच्छा। अभी जंग के हालात हुई नहीं, हुए भी नहीं थे, क्योंकि जब मैं मार्च में वहाँ पे गया, मार्च से पहले वहाँ पे इलेक्शन हो चुके थे, और इलेक्शन से वहाँ पर मुजीब रहमान उधर ज्यादा जीत गए थे, भुट्टो यहाँ पे कम जीते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ऐसा चल रहा था, तो मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश बनेगा या कुछ होगा, मैं कराची में चला गया। कराची नेवल डॉक यार्ड है, कराची नेवल डॉक यार्ड में मैं वहाँ पे काम करता। तो कैसे कराची नेवल डॉक आप इंडिया से गए, तो उन्होंने कैसे नौकरी दे दी, आपने क्या बताया? मैं ऐसा था कि कराची में सदर बाजार है, सदर बाजार में ईरानी के होटल्स बहुत हैं, तो मैं ईरानी के होटल में बैठा था, और मेरे को ये कहा गया था कि आपने नेवल डॉक यार्ड में एंटर करना। अब मेरे को यही पता था कि टारगेट क्या है, कि नेवल डॉक यार्ड में करेंगे तो ही नेवी की खबर मिल सकेगी, जब तक नेवी में नहीं जाएंगे खबर नहीं मिल सकती, तो नेवल डॉक यार्ड में जाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। बाहर से खबरें नहीं मिल सकती, नेवी की खबरें ऐसी है कि आप बाहर से कलेक्ट ही नहीं कर सकते, तो नेवी में जाना था। जब मैं सदर बाजार में बैठा हुआ था, तो मैं ये सुना कि कुछ लेबर की जरूरत है। मैंने कहा भाई ये तो लेबर की जरूरत है, तो लेबर क्योंकि वहाँ जाया जा सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो मैं वहाँ पर एक से बोला, मैंने कहा यार मैं भी अच्छा खासा पेंटर हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा काम आता है, तो आप मेरे को बताएंगे? वो कह लगा सुबह आ जाना, हमको ज़रूरत है, आप आ जाना। तो मैंने कहा यहीं आ जाऊँगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है, यहीं आ जाए, वहाँ जाके मैं तो सुबह उनके पास पहुँच गया। वहाँ पर अंदर आदमी ले जाने के लिए लिस्ट बनती थी पहले, पहले ये कार्ड्स वगैरह ये इतना उसको नहीं था, वो जो 73 में कार्ड हो गया था वो कार्ड नहीं था, पहचान पत्र का कोई जरूरत, वहाँ पहचान पत्र होता था उस ठेकेदार का जो कि उनको अंदर ले जाएगा जी, और वही जिम्मेवार होगा सारा कुछ। तो उसने मेरे से पूछा भाई कहाँ रहते हो? मैंने कहा लाहौर। लाहौर में कौन रहता है? मैंने कहा जी मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे तो मामू हैं, उनके पास रहता हूँ, लेकिन क्या है कि वहाँ पर इतना काम नहीं है, तो मैं कराची आ गया। वो अंदर ले गए, वो अंदर ले गए, तो फिर 4-5-6 दिन बाद उनको मुंशी की जरूरत पड़ी, उन्होंने मेरे मुंशी रख लिया, लेबर चढ़ा के मुंशी कर लिया। अब जो मैं मुंशी था, तो मैं नेवी में सारी जा सकता था, हर जगह जा सकता था, इवन वो जगह जो फ्लैग फ्लोटिला करा दिया और जहाँ पर लड़ाई का सारा कुछ मैप वगैरह हुआ है, तो मेरे को कोई मतलब कराची में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं किसी भी बिल्डिंग में जा सकता था, किसी में भी जहाज पे ये वगैरह मैं चला जाता था, तो मैं वहाँ पर सारा बताता। जब 71 वॉर लगी, उस वक्त मैं नेवल डॉकयार्ड के अंदर था। अच्छा, नेवल डॉकयार्ड में था मैं, और जो नई बिल्डिंग बनी थी रेडियो शॉप के नाम से एक बिल्डिंग थी जो जिसको वो था, वो जब इन्होंने 3 दिसंबर को वहाँ करी, 5 बजे राइट, मैं वहीं पर अंदर ही था।
तो कितने वक्त आप वहाँ पे रहे नेवल? मैं नेवल में ये सोच लीजिए कि 1971 मार्च से मैं गया था, मैं अप्रैल में, अप्रैल से, अच्छा अप्रैल से मैं जुलाई 1974 तक। इस दौरान में आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली भेजी? हाँ, जो जरूरत होती थी वो तो थी, लेकिन क्योंकि वो हो गया था ना, कम्युनिकेशन खत्म हो गया था दोनों का, दोनों में वो नहीं था, तो इस वजह से हुई। तो इस दौरान में आप फिरोज बन के ही रहे? फिरोज बन। आपकी सारी चीजें, आपने चूंकि ट्रेनिंग ली थी उर्दू अरबी सारी चीजों से आप वाकिफ थे? जी जी। नमाज भी पढ़ते होंगे? हाँ, सब कुछ। तो उसके बाद 4 साल के बाद फिर क्या हुआ? 4 साल के बाद, चार साल तो मैं वहाँ पे रहा, बड़े आराम से रह गया, लेकिन वो कुछ ऐसा था कि कोई आदमी पकड़ा गया, उसकी वजह से कोई मेरे कान में पड़ी कि भाई वो पकड़ा गया है और तुम भी पकड़े जा सकते हो, तो मैं वहाँ से निकल गया, नेवी डॉकयार्ड से, नेवल डॉकयार्ड से निकल गया। लेकिन उनके पास वो होंगे, वो फिर मेरे को उन्होंने घर से, मतलब एक कोई दूसरा जासूस पकड़ाया था? हाँ, कोई पकड़ा गया, क्या है मतलब ये हाँ। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इंक्वायरीज वगैरह का वो हो गया था, तो वो फिर मैं वहाँ से निकल गया। इस दौरान में जब आप नेवल डॉकयार्ड में रहे, तो आपको कभी ये लगा था कि अगर मैं पकड़े जाएंगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कभी डर और इस सारे? नहीं, दरअसल क्या है कि मैं बचपन से मेरे को डर नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब मैं वापस आया और समझौता एक्सप्रेस से, तो मैं किसी से डरा नहीं। इस दौरान में आपने वहाँ से अपने परिवार वालों से यहाँ किसी से कभी संपर्क किया? नहीं, वो डाक वगैरह सब कुछ बंद थे ना। हाँ, सब बंद थे, सब बंद। तो फिर आप पकड़ाए, उसके बाद क्या हुआ? 74 में आप शायद, 74 ठीक पकड़े गए, तो फिर ने इंटरोगेशन, आपको पता ही है कि एफआईयू, तो इंटरोगेशन कहाँ हुआ? कराची में ही? ना। अच्छा, फिर इंटरोगेशन में क्या पूछ रहे थे आपसे? वो पूछते थे कि जी आप गवर्नमेंट के बंदे हो, इसके बंदे हो। मैंने कहा जी मैं तो गवर्नमेंट के वगैरह का बंदा कोई नहीं हूँ, है ना, मैं तो आ गया वो, लेकिन वो नहीं मानते हूँ उन्होंने जी, बड़े ये है वो है, वो आप रॉक हैं। मैंने कहा रॉक आराम, तो मैंने सुना कोई नहीं। अब CBI के हैं, मैंने कहा CBI का भी मैं नाम नहीं सुना, IB मैंने कहा IB का नाम सुना है, क्योंकि मेरे एक जानकार थे IB में काम करते थे, मैंने कहा IB का नाम पूछो, तो आप IB में गए? मैंने IB का नहीं हूँ। लेकिन ये साबित हो गया था कि आप हिंदुस्तानी हो? हाँ, ये जब उन्होंने पूछा ना कि माँ बाप कहाँ है, ये हुआ है, तो फिर वो सारी चीज़ें आ गई। हाँ, फिर ये पता चल गया कि इंडिया। तो इस दौरान में यहाँ पे जिनको आप रिपोर्ट करते थे, उनको भी पता चला था कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं? इनको पता चला या नहीं चला वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि ये हमारे पास, तो वहाँ पे नहीं पता लगेगा। खैर, उसके बाद आपको क्या किया, जेल भेज दिया गया? नहीं नहीं, वो उन्होंने मेरे को जी 1.5 साल तक इंटरोगेशन में रखा। इलीगल? हम वहाँ पे सारा इलीगल हुआ। हाँ, ठीक। क्योंकि यहाँ हमारे तो थोड़ा सा वो है ना, जासूसों को करते हैं, वो रखते हैं आर्मी वाले अपने कंट्रोल। अच्छा। आर्मी वाले कंट्रोल में रखते हैं, और बहुत सी जगह पर आपको अंडरग्राउंड रखेंगे, कहीं ले के जाएंगे तो पट्टी बांध के आँख पे पीछे हथकड़ी लगा के, तो आपको नहीं पता लगेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपको नहीं पता लगेगा मैं कहाँ। तो 1.5 साल आपको रखा, आपको टॉर्चर भी किया? बहुत टॉर्चर करा जी, बस मेरे तो कमर में यहाँ तक ये है कि कील तक गड़ी हुई है, कभी कील गाड़ दी थी उन्होंने, पता नहीं उसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है। अच्छा। और बहुत से बहुत कॉम्प्लिकेशन से टॉर्चर करे। तो जब आप वहाँ पे थे उनकी कस्टडी में, और भी कुछ अपने इंडियन जासूस या बाकी लोग थे? हाँ, मेरे संग एक साथ में हुआ करता था मनीराम शर्मा का। अच्छा। तो मनीराम शर्मा से हुआ करता, तो बाद में वो जेल में मेरे संग मिला, तो जेल। तो 1.5 साल इंट्रोगेशन हुआ, आप पाकिस्तानी आर्मी की कस्टडी में रहे, उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने जेल करके भावलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। भावलपुर सेंट्रल जेल में कुछ दिन रहे, फिर उन्होंने मियांवाली सेंट्रल जेल भेज दिया। मियांवाली सेंट्रल जेल में काफ़ी और इंडियंस भी थे, जो इंडियंस के संग ही और फॉरनर थे, बांग्लादेशी, ईरानी, अफगानी। तो आप पे चार्ज क्या लगाया? स्पाइनेज। अदालत में मुकदमा चला, पेशी हुई आपकी? अदालत तो वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ कोर्ट मार्शल सीधा। अच्छा। ले जाके बैठाएंगे और
आर्मी कहीं वो होगा, सब कुछ होंगे, मतलब आपका कोई वो नहीं, ना कोई अपील ना कोई कुछ। इवन पाकिस्तानी भी होंगे तो उनको भी वो वही करेंगे, वहाँ कोर्ट मार्शल है, वहाँ सिविल कोर्ट्स के नाम। तो कुल मिला के आप करीब 20 साल जेल में रहे? हाँ, मैं ये तो देख लीजिए 74 से लेके 95 तक जेल, 95 में मैं इधर आया। इस दौरान में जेल में अलग अलग आपके और भी बाकी भारतीय जो जासूस थे जो पकड़े गए थे उनसे मुलाकात हुई, आप उनके साथ रहे? बहुत थे। जैसे इसमें कोई ऐसे नाम जो लौट आए या अभी भी वही? ये 1988 में एक बार उसमें मेरा भी बड़ा हाथ था, हमने एक अपील करी थी जस्टिस मुनीर खान के उसमें, तो उन्होंने 7 जुलाई 1988 में बहुत से आदमियों को छोड़ दिया था, जज साहब ने कहा था कि इनको पुश बैक कर दिया जाए, तो जुलाई 7 को 88 में वो सारे आदमी जो थे, मोस्टली सिर्फ वो जो जिन जो डिटेंशन थे और जिनको कैपिटल पनिशमेंट और लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट वो रह गए थे, बाकी सारे पुश बैक हो गए। एक रविंदर कौशिक जासूस हुआ करते थे, वो भी पाकिस्तान में, सुना उनके बारे? रविंदर कौशिक था, मुल्तान में था वो, उसको मेरे संग एक रहे हैं साजन सिंह, साजन राम जो थे ना वो कहते थे भी रविंदर कौशिक नाम से है, वो कहते थे वो इस बंगला रहे जासूस ने। अच्छा, तो मेरे को तो यही कहते थे कि भाई उसने मार से हाँ कर लिया, ये नहीं पता था वो था, क्योंकि मेरे से रविंदर कौशिक की मुलाकात नहीं हो सकती। सरबजीत सिंह के बारे में आप? सरबजीत को जो फर्स्ट डे पकड़ के लाए, आई वॉज इन फैसलाबाद जेल। अच्छा, हाँ, जिसे लालपुर पहले कहते थे, और जब उसको पकड़ के लाए तो मैं था वहाँ पर, तो उसको ला के बंद जब करा तो उन्होंने कहने लगा कि लो जी एक और आपका पकड़ के लाए, तो पतला सा सूखा जा लंबा जैसा होता था बेचारा, तो मैं इसको पूछा, पानी दिया इसको, चाय दी, मैंने इसको पूछा, मैंने कहा बेटा तू जासूस है क्या? वो कहने लगा जी जासूस तो नहीं हूँ, मैं आया था दरअसल लाहौर, पांडी कहते हैं पंजाबी में, पांडी बन के आया था, तो उन्होंने कहा कि जी शाम को माल देंगे, तो मैं फैसलाबाद आ गया, दिन में लाहौर में बम फूटा था, शाम को यहाँ फूट गया है, इन्होंने पकड़ के कहा तूने बम फोड़ा है, और मेरे को मार मार के कह रहे हैं वो, तो दो तीन दिन रहा वो, फिर वो चला गया, फिर वो दोबारा मेरे को कोटलखपत में मिला था 94। तो वहाँ जितने ऐसे लोग बंद थे खासतौर पे जो जासूस या अस्त्र अपने हिंदुस्तानी, उन्हें उम्मीद होती थी कि वो कभी वापस अपने घर लौटेंगे? नहीं, एक बार तो सर ऐसा हो गया था कि 1988 तक तो किसी को उम्मीद नहीं होती थी कि भाई कोई भी वापस जा सकेगा, 14 दिन कैद होती थी 14 साल हो जाते थे, एक महीना कैद होती थी 18 साल हो जाते थे, तो किसी को ये नहीं पता था, तो वो वहाँ पर ऐसे ही सोचते थे कि आपस में जैसे हम ही एक दूसरे के बहन भाई हैं, इस किस्म से रहते, तो वो भूल चुके थे कि भाई जा सके, लेकिन जस्टिस मुनीर खान के पास जो अपील लगी, वो अपील आपने कभी एक नाम सुना होगा, आया था कोटे का था महमूद अंसारी, वो मैंने और महमूद अंसारी ने वो अपील को किसी तरह से हमने बाहर पैसे पूछे ये देके वो हमने अपील कराई थी, और उस अपील में उस अपील के पास ये उसमें हो गया था कि भाई जो भी कैद काटेगा उसको पुश बैक कर दिया जाएगा, तो थोड़ी सी उम्मीद बनी थी, और उसके बाद ही पुश बैक होने शुरू हो गए। इतने वक्त में 20 साल के करीब आप रहे जेल में, कभी आपके ख्याल नहीं आया मन में कि जेल तोड़ के भागने की प्लानिंग की जाए? जेल तोड़ के कैसे भाग सकता है, क्योंकि वहां पर कोई हेल्प नहीं तो नहीं है, कैसे तोड़ सकता? हाँ, एक हमारे 5 लड़के भागे थे 79 में, पूरन सिंह, अजीत सिंह, मक्खन सिंह, गोपाल, वन मोर बाल, तो वो 71 में निकल गए। जेल के अंदर जो पाकिस्तानी जो पुलिस वाले और बाकी जो स्टाफ होंगे जेल से, उनका रवैया कैसा होता था आप लोगों के साथ? देखिए, हर एक के पता था कि भी ये जासूस है या नहीं,
तो उसके संग बिहेव तो उनका थोड़ा यही होगा कि भी दुश्मन है, तो उनको कोई अपना दोस्त आना तो नहीं होएगा, उनके दिमाग में तो यही होगा ना कि भी ये मुल्क के दुश्मन है हमारे, वो चाहे जासूस है नहीं है, उसने हाँ करी है नहीं करी है उस पर, क्योंकि तो जिसको भी पकड़ते थे ना उसको जासूस ही बना देते थे। 20 साल आप जेल में रहे, तो 20 साल इतने लंबे वक्त में कभी आपको मतलब जिनके लिए आप काम करते थे उन्होंने किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की या कोई ऐसी नहीं, 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 नहीं की आपके परिवार ने, उन्हें पता था कि आप कहाँ? नहीं, परिवार को भी नहीं पता था, परिवार को जब इनके आपस में इंडिया के और उसके डाक खुल गई और हमको वहाँ पे अलाउ करा गया कि भाई अपने घर पे आप भेज सकते हैं लेटर, तो जब हमने लेटर बताया जब इनको पता लगा कि भाई हम क्या। आपकी रिहाई कैसे हुई 20 साल बाद? वही मैंने बताया ना कि एक हमने वो डाली थी उसके ऊपर ये हो गया था कि अब मेरे दिमाग में ये बैठ गया था क्योंकि उसका करता धरता ही जब मैं थोड़ा सा हूँ तो मेरे को पता चल गया कि अगर इसमें से वो हुई तो हो जाएगा, तो मैंने जगह जगह एप्लीकेशन डालता था। लेकिन जो एप्लीकेशन थी वो सिर्फ इनकी आर्मी में जा सकती थी एजुकेटेड जनरल पर, और आर्मी से रिजेक्ट होने का मतलब वही था। एक दो बार हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल को डाली, अब वो या गलती से कहीं से सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू बोर्ड बैठ गया, रिव्यू बोर्ड उसी तरीके का था जिस तरह से हमारे 88 में आदमी छुटे उसी बेस पे लग गया, तो मेरे पास लाहौर सुप्रीम कोर्ट में मेरा रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में रिव्यू हुआ, तो वहाँ में वकील कहने के दे, मैंने कहा नहीं हमें वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही देख रखा था कि वकील तो इन्हीं की तरफ बोलता है, जो हम बताएंगे वो है। जब उन्होंने वहाँ पर पूछा कि जासूसी करने आए थे, मैंने कहा कि जासूसी करने नहीं आए, ये कहते हैं जासूसी करने, हम तो नहीं है जासूस। तो वो कहने लगे कि जी पता नहीं कुछ बताते थे, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल थे इसके पाकिस्तान के, कि जी उनके बदले हमने इनको लेना है तो छोड़ना है। हाँ। उन्होंने कहा जब इनकी कैदी नहीं है तो आप इनको कैसे रखेंगे, जब इनकी कैद ख़त्म है, कैद इन पे है ही नहीं, 4 दिन पे अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, डिटेंशन है, तो डिटेंशन में आप इनको किस तरह से रख सकते हैं, उनके जो उसके बदले लेंगे। मैंने कहा जैसा मैं कोई उससे कह के या वो मेरे से कह के आया था, हम उसके बदले तो नहीं ले सकते, अगर भाई थी वो उसको कैद है या नहीं है मेरे को तो नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा, अगर वो कभी नहीं काटेगा और खुदा ना खास्ता वो जेल में मर गया तो क्या मेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि स्पेशली स्पेसिफिक एक आदमी के लिए तो ये होना। तो जैसा थे उन्होंने कहा जी इनको आप 1 जनवरी 1995 को पुशबैक करें, पुशबैक मतलब छोड़ दो, पुशबैक का मतलब है पाकिस्तान से वापस इंडिया में, वापस है रिपेट्रिएट नहीं वैसे ही छोड़ेंगे ठीक, क्योंकि उस वक्त तो ये बार फिक्स हो गई थी सारी, तो इन्होंने मेरे को समझौता एक्सप्रेस में बिठाया। कितने था, 1 तारीख को ही? 1 जनवरी 1995 उसमें बिठा दिया, और मैं अपने बिठा दिया, टिकट विकेट दी, पैसे दिए, कुछ कपड़े वपड़े नहीं, कोई पैसे वगैरह कोई कुछ नहीं, जो कुछ हमारे पास 2-4 कपड़े थे वो उन्होंने दे दिए कि भाई जाओ। तो आपके साथ कितने लोग थे? मैं था, एक लड़का था पठानकोट प्रेमनगर का कमल, और एक बहुत बुजुर्ग जैसे थे वो थोड़े से साइको थे, लेकिन मेरे कल कोई 90 साल की उम्र थी, उनको भी उन्होंने जासूस बना के रखा, हम तीनों को कुछ बेकार। तो लाहौर से आपको समझौता में बिठाया, समझौता यहाँ आप अटारी पे उतरे, यहाँ अटारी पे उतरे, तो अब आपके पास कागजात और कुछ ये सब तो है नहीं, कागजात कुछ है नहीं, फिर यहाँ क्या हमारे अपने आदमी कह रहे हैं कि जी कागजात हमने कहाँ से लाए जी, कौन हो यो, फिर जी हम अपने पुराने रंग में आ गए, हमने कहा भाई आप हमसे कह रहे हो कि लाओ, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे कागजात आप बताओ कहाँ हैं, हम वहाँ से बिना ही कागजात के आए हैं, अगर यहाँ के नहीं होते तो कैसे आते, यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ माँ बाप हैं, यहाँ बहन भाई हैं, सौयो रिश्तेदार हैं। तो आपने बताया कि आप कौन हैं? हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं एक तरफ को क्योंकि उसको जरा थोड़ा सा पाप समझा जाता था कहा जाना,
आज तो खुला भारत है, आजाद भारत, सबको पता है कि गांव नाम की भी कोई चीज है। तो उसको मैंने बोला इसी तरीके से क्या था, वो एक बंदा आया था, हम कैसे माने, मैं कहा तू किस में, मैं किसी में नहीं, मैं कहा तू ऐसा कर भाई, मेरे को कोई रोका हो गया आई थी जीवन, चलो मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी अगर कोई बंदा है तो मैं उसको बताऊंगा। वो कह लगे नहीं 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 जी आपको नहीं, एक सरदार जी थे उनके हवाले हमने कर दिया, वो इंस्पेक्टर थे उनके हवाले कर दिया, उनसे कह लगे जी सवेरे इनको अदालत में पेश कर। हमने वो सरदार जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने जब सुना ना इस तरह से हुआ वो हमें ले गए, हमें ले जाकर उन्होंने अपने रूम में रखा, खाना वगैरह खिलाया, सब कुछ करा। सवेरे हमारे को अमृतसर अदालत में पेश करा, कह लगे जी आपको जमानत करानी पड़ेगी। मैं किस बात की जमानत करानी पड़ेगी, हम मुजरिम हैं, चोर हैं, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हैं, क्या है जमानत किस बात की कराएंगे। और मेरे का मेरे को ये नहीं पता कि मेरे पापा तो मर गए हैं, मेरी मदर का मेरे को नहीं पता है, मेरे रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का मेरे को नहीं पता, मेरी जमानत तो कौन कराएगा। आपकी शादी हुई नहीं थी? नहीं, मैंने कहा मेरी जमानत कौन कराएगा, मेरे घर वालों का मेरे को उनका एड्रेस नहीं पता है, वो जहाँ पहले रहते थे वो सारे वो खत्म हो चुका है, मदर का मेरे को पता बाद में पता चला कि एक्सपायर हो गई है 1993 में, तो मेरे को कौन कराएगा, मैं तो तुम्हारे तो नहीं है ना मेरे को। वो ले गए जस्टिस के, वो अपने के बहुत अच्छे थे, हमेशा उनको वो करे, प्रकाश गर्ग नाम था उनकी, वहाँ पेश करा तो उन्होंने कहा जी इस तरीके से पाकिस्तान की गाड़ी से उतरे हैं, इनके पास कोई वीज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये है वो जमाना, वो कह लगे कोई जमा, ये जो देश के काम करते हैं, ये जो कह रहे हैं देश के, ऐसी कोई नहीं कहेगा, अगर कोई ऐसा कहता तो क्यों कहेगा, कहे ही होंगे। तो उन्होंने आपको छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने कहा कोई जमानत नहीं, और बल्कि उनको सरदार जी को बोला जो SHO साहब थे चौकी इंचार्ज, उनसे कहा भी इनको आप टिकट लेके दिल्ली का छोड़ेंगे, इनको रास्ते के लिए खर्चे के पैसे देंगे और इनको कल आप कह रहे हैं ट्रेन से छोड़ेंगे, कल तक इनको आप अच्छी तरह, कल के सर जमानत तो मैंने कहा जमानत मैंने कह दिया इट इज़ एन, तो परमेश्वर उनकी वो करे, और क्योंकि मैं तो उस वक्त थोड़ी उम्र थी, वो ज़्यादा उम्र के थे, अगर जिंदा हो तो परमेश्वर उनको। तो आप वहाँ से दिल्ली आए? अब हाँ, मैं जो दिल्ली आ गया, और जब दिल्ली आ गया तो मैं जहाँ कहाँ जाऊँ कोई जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सारे तो इधर उधर हो चुके हैं, मैं सोचूँ कहाँ जाऊँ, तो क्योंकि जब पाकिस्तान की उसमें हम कुछ गए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये भी पता है कि भी कुछ ना कुछ तो सारी चीज़ें देखी। पहले मैं क्योंकि मेरे को ये पता था कि कैबिनेट सेक्रेटरी में एनके चौधरी काम करते थे, तो वहाँ जाके दिया क्या कैबिनेट सेक्रेटरी का दफ्तर तो टूट फूट गया, कुछ था ही नहीं वहाँ पर, किससे पूछे क्या है, एक पुराना नंबर हुआ करता था, वो शायद राव का नंबर था, सीक्रेट नंबर था, लैंडलाइन नंबर होते थे उस पर, मोबाइल नाम की चीज़ थी, तो उसमें करके देखा तो कोई फ़ोन नहीं। ठीक, अब क्या करूँ, मैं साउथ ब्लॉक चला गया, साउथ ब्लॉक जाके देखा नहीं है कुछ, पता करा तो भाई एनके चौधरी साहब को किसी ने कहा जी यहाँ पे बन गए हैं दफ्तर, तो मैं यहाँ आया सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं मिला, बड़ी प्रॉब्लम है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, दो तीन चार दफ्तरों के नाम, अब अखबारी दफ्तरों के पास गया, कोई सुन के राजी नहीं। मैं इंडियन एक्सप्रेस में चला गया और वहाँ जनाब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आई थिंक
वो जनसत्ता में मुलाकात, जनसत्ता में थे आप, तो वहाँ मेरी आपसे मुलाकात। लेकिन वो जो नंबर था आपके पास, उस नंबर के जरिए आपने चुके, आपने ये बताया था कि 20 साल के बाद रहकर आया हूँ, आपके सारे जो सैलरी है, तनख्वाह है, लेने हैं या तो अपनाने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर वहाँ तक पहुँचे कैसे आप? कहाँ तक? उन लोगों तक, ये रॉक है किसी तक, नहीं। उन लोगों तक पहुँचाने के लिए तो आपने पहुँचाया मेरे पास। नहीं नहीं, वो तो देखिए आपने की, मतलब मेरा ये जानना कि इसके बाद हुआ क्या? हाँ, कोर्ट ये उसके बाद भी बड़ा अखबार में लिखा जी, एक दो बार मैंने कहा जी मैं सेल्फ इमोलेशन कर लूंगा। हाँ, तो वो फिर एक बंदा कोई आया मेरे पास की नहीं ना करें जी, तो मैं कहा तू किस में भाई, कैसे आया? वो आया, वो ऐसे ही जी हम एनजीओ से आए सोचे, और मैंने कहा बेटा तू एनजीओ से वगैरह से तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो गया नहीं, फिर चुप पड़ गए, कोई नहीं आया। अब हम वहाँ पे जेल में भी भूख हड़ताल करा करते थे अपनी, कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़ते थे। मैं प्रधानमंत्री एक बार फिर जब मैं जनसत्ता में गया तो आपने अखबार में लिखा निकाला, और मैं अखबार में निकाला वो अखबारों के उस पे फिर इसमें पायनियर में थी एक अदिति, उसने निकाला, फिर एक और कोई थे उन्होंने निकाला, तो मैं चला गया सब कुछ करने के बाद कि भाई कहीं से भी कुछ नहीं मिला। मैं एप्लीकेशन लेके भूखड़ताल की एप्लीकेशन थी मेरी, भूखड़ताल है, मैं 7 रोज रेस्पोंस से उसको होते थे प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर होते थे अपना राव साहब, तो मैं वहां चला गया और मैंने एप्लीकेशन उनको दी और एक पे ठप्पा लगाया और भाई दूसरी कॉपी रखी जेब में, और मैं वहां पे जो वो था सोफा हाउस पे लेट गया। वो मेरे से कहने लगे जी आप लेट यहाँ पे गए, ये क्यों लेट गए? मैंने कहा जनाब मैंने देखी है एप्लीकेशन क्या दी है कि मैं भारत के लिए काम करने गया इस तरीके से है ना, और मैं भूखड़ताल पे जा रहा हूँ, अखबारों में भी मैंने सब में निकल गया है, एप्लीकेशन भी मैंने हर जगह दे दी है, कोई सुनने को राजी नहीं है, तो आपने मेरी एप्लीकेशन मान लिया कि मैं भूखड़ताल पे जाऊँ। उन्होंने चाणक्यपुरी के पुलिस वालों को बुलाया और फिर मेरे भाई होते थे उनसे बात करी, वहाँ के पीएमओ हाउस के कह लगे आप ऐसा करें आप जंतर मंतर पे करें, आप जंतर मंतर। मैं गया फिर जंतर मंतर पे एप्लीकेशन फिर दोबारा कह लगे चेंज करा लो पीएमओ के हटा के, तो पीएमओ के हटा के फिर पार्लियामेंट थाने से करा ली, एक हनुमान वहां से करा के तो जंतर मंतर पे लगा लिया, फिर भूखड़ताल करी 17 दिन में भूखड़ताल यहाँ पर। 17 दिन के बाद ये आए भाई के पास, भाई से कहने लगे अरे हम ऐसा है कि कुछ थोड़ा बहुत कर देते हैं, वो अपना ये है एनजीओ है ये, वो थोड़ी सी रकम सर उसको तो उन्होंने वो भी 3 किस्तों में करके दे, वो हमारे ना किसी काम आ सकी ना कोई कुछ हो सका, वो 3 हिस्से में रकम करके दी। अब फिर भी मतलब ये नहीं मानते कि वो हम रॉ की तरफ से दे रहे। आपके पास सबूत के तौर पे एक टेलीफोन नंबर जो उस वक्त मेरे पास एक ही टेलीफोन नंबर था जो कि मेरे पास उसकी कुंजी थी, और वो भी नंबर देखिए मेरे को कितने अर्से 22-23 साल तक नंबर या मेरे को याद रहा, पर इस नंबर को लोगों ने बताया कि हाँ ये नंबर सरकारी महकमे का ही है। वो नंबर को मैंने अपना फोन करा तो पता लगता था फोन नंबर है, बट उस वक्त ये टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी तो उसमें नंबर नहीं था, ये कुछ सीक्रेट नंबर होते जी। तो वो नंबर मैंने शायद आपको ही दिया, मैंने कहा देखिए जी मैं आपको इस बेस पे कह सकता हूँ क्योंकि आपने मेरे को कहा था ना कि आप ऐसे नहीं हो सकता, तो क्योंकि आज तक हर बंदा यही बात कहता है ये नहीं हो सकता, और मैंने आपको कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और झूठ नहीं बोलता। तो उसके बाद फिर कभी किसी अफसर से मुलाकात हुई नहीं? नहीं, नहीं। करीब 25 साल जिसमें से 20 साल जेल में रहकर पाकिस्तान में आप आए, आपने ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे वहाँ से आपको अटारी पे उतरे समझौता एक्सप्रेस से, यहाँ आने के बाद अपने ही घर में अपनी ही एजेंसी अपना ही महकमा आपको अपनाया नहीं और पहचानने से इनकार कर दिया,
मैं ये कह रहा हूँ समझता हूँ नहीं, दिल में मेरे को क्या है, दिल में मेरे को मुल्क का खिदमत करी ठीक है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ ना बाढ़ से बह गया 5 लाख दे, किसी ने वैसे सड़क चलते मार दिया 10 लाख दे, छोटे छोटे जो करने वाले और हम जो करते हैं इतना खतरनाक काम मुल्क के लिए। अब ये देखिए कि मेरे को 75 साल मेरी उम्र है, 75 ईयर जी, ब्रेन में मेरे क्लॉट्स है जी, सर्वाइकल मेरा है, रीढ़ की हड्डी में मेरे 4 गैप है, पंत हॉस्पिटल में मेरा 11 साल से इलाज चल रहा जी, ना मैं कुछ कमा सकता हूँ ना कर सकता हूँ इस उम्र में जी, स्लम में रहने पे मजबूर हूँ जी, दूसरों को मकान भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, क्या देश के काम करने वाले कुछ नहीं मिल सकता? बिल्कुल आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो अब इस वक्त इस उम्र में क्या है कि वो जो इवन यहाँ तक मजबूरी है कि जो गवर्नमेंट राशन देती है ना 5 kg का, उस राशन पे डिपेंड करना पड़ता है। सुन के ही मतलब अफसोस भी होता और यकीन भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आज के क्राइम तक फैमिली मेंबर से एक चीज़ कहूँगा कि प्रेम साहब को चूँकि मैं जानता हूँ, मुझसे जितना होगा मैं ज़रूर मदद करूँगा इनकी, आप में से भी अगर जो भी लोग करना चाहें मैं एक बार इनसे बात करके तरीका बता दूँगा, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने घर परिवार से दूर 20 साल जेल में, 25 साल विदेश में, लेकिन ये सारी चीज़ें चलिए देश सेवा और जज्बे के साथ बहुत सारे लोग करने को तैयार रहते हैं, और इसीलिए कोई भी देश महान बनता है क्योंकि उसके देशवासियों के जो जज्बा होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, लेकिन अगर वापसी में आने के बाद इस तरीके का सलूक और व्यवहार हो तो फिर दिल दुखता है। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस जी, आप यहाँ आए, बातचीत की, और मैं वादा करता हूँ मुझसे जो होगा जरूर करूँगा, और क्राइम तक फैमिली से भी मैं कहूँगा। तो आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है तो छुट्टी है, और मंडे किसी नई कहानी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।